ना बीबी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, हम फिर आ गए नक्सोमिका के बाद दूसरी रेमेडी लेके। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सबका, और बहुत अच्छा लग रहा है कि नक्सोमिका की वीडियो एक दिन में 2000 लोगों ने देखी। काफी अच्छा लगा कि ये देखे कि आप सब लोगों को कितनी उत्सुकता है, कितनी क्यूरियोसिटी है, और कितनी पढ़ने के लिए कितनी क्या बोलते हैं बेताबी भी है। तो इसके लिए हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी उतना मोटिवेशन मिलता है कि जल्दी से बेताब हो जाते हैं वीडियोस बनाने के लिए जल्दी से जल्दी। बस यही हमारी एनर्जी है, आपकी जो उत्साह है ये हमारी एनर्जी है जो हमको इतना दौड़ाती है ये कराने में, हमें ऊर्जा देती है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और हमारे गुरु डॉक्टर राव सर, उनका मोटो है रहा है ये कि उनका एक लक्ष्य है ये कि होम्योपैथी दुनिया के, सिर्फ इंडिया के नहीं, दुनिया के कोने कोने में जाए, सब आसानी से प्रैक्टिस कर पाए। देखो होम्योपैथी एक बहुत बड़ा ओशन है, बहुत सारी रेमेडीज बाकी है, बहुत सारे वीडियोस बनाना बाकी है। तो आपकी जो ये जो रिस्पांस है ना, आपके लाइक से, आप जितना शेयर करेंगे उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो वो करते रहे, हमें जितना पता है हम शेयर करते रहेंगे। आप जो सीखेंगे आप किसी और के साथ शेयर करो, इससे आपकी भी रिविजन हो जाएगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको भी रेपर्टरी जाके पढ़नी पड़ेगी। आपको अगर चाराना मिलता है तो उस चाराना को बांट दो, यस वो एक रुपया बनेगा, तो बिल्कुल बढ़ेगा। तो हम आज ऐसी रेमेडी डिस्कस करेंगे जो नक्सोमिका के बहुत पास में आती है, कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करती है, लेकिन बहुत अलग है नक्सोमिका से। लेकिन जैसे हम लोग जैसे समाज में देखते हैं ना, बहुत सारे लोग सिमिलर दिखते हैं लेकिन होते नहीं है सिमिलर। तो ये रेमेडी है ब्रायोनिया। तो योगेश सर बताएंगे हमें ब्रायोनिया शुरुआत में क्लिनिक में आएगी तो कैसे। देखो कैसे, मैं ये सोचता हूँ कि जब हम कॉलेज से निकले थे, जब कॉलेज में ब्रायोनिया पढ़ी थी, तो मोशन एग्रवेट एवरी मूवमेंट एग्रवेट्स एंड रेस्ट एमलरेट्स, ये हम पढ़ के निकले थे कि भैया ब्रायोनिया। क्लिनिक में आके बैठे पहली जो घुटने दर्द वाली औरत आई थी तो उसने आके बताया था कि अरे थोड़ा भी चलती हो तो बहुत दर्द होता है, और बोला आराम करो तो आराम करो तो फिर दर्द नहीं होता, फिर आराम लगता है। फिर कन्फर्मेटरी प्यास कैसी लगती है, प्यास कैसी लगती है, ये सुन के बोला अरे ये तो पक्का ब्रायोनिया, ऐसे करके ब्रायोनिया दे दिया। और फिर ब्रायोनिया से ठीक नहीं हुई, और फिर ऐसे में कई सारी केसेस में दिए, फिर विश्वास उठने लग गया कि घुटनों के दर्द में ब्रायोनिया कुछ काम करती है, क्योंकि तब हम दवा दे रहे थे घुटनों को। घुटने को ठीक नहीं करना है, घुटने को ठीक नहीं करना है, हमें उस आदमी को समझना है जिसके घुटने दर्द कर रहे हैं। अगर घुटनों को दवा देंगे तो फिर फंसेगी, फिर होम्योपैथी सही से नहीं होगी। लेकिन अगर आप उस आदमी को दवा दोगे जिसके घुटने दर्द कर रहे हैं तो वो घुटने पक्के ठीक होंगे। एलोपैथिक मेडिसिन का जो सिद्धांत है दर्द को मारने का या दर्द को नंब करने का, 70-80% केसेस में काम करता है, क्योंकि वो सिद्धांत पर दवा दी जा रही है। होम्योपैथी में हम मैन का सिद्धांत अगर जब तक नहीं समझेंगे, उस पर प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, तो होम्योपैथी असफल रहेगी। जैसा हम लोगों ने अभी जैसे इसमें एक एग्जांपल, मतलब ये जो एलोपैथी में क्या होता है ना, फिर वो क्रॉनिक आर्थराइटिस ठीक होता ही नहीं है, जो ऑटोइम्यून डिजीजेस ठीक होते नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में क्यों होते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर के इंसान को ठीक करते हैं, ना ही घुटना ठीक करते हैं। अभी देखो घुटना बीमारी काफी पेशेंट आते हैं हमारे पास, जैसे हमने सेपिया वीडियो देखी है, तो एक सेपिया की पेशेंट है जिसके घुटने खराब है, बहुत सारे पेशेंट है हमारे पास ऐसे, तो उसके घुटने खराब है, तो वो आती है तो क्या कंसर्न बताती है कि सर ये इसकी वजह से काम नहीं कर पा रही हूँ सर, हस्बैंड को सुबह जल्दी जाना होता है, बच्चे की स्कूल होती है सर, मैं कर नहीं पा रही हूँ, और सर टेंशन हो रहा है अभी बड़े बच्चे की 10th होगी चालू, तो सर अगर मैं ऐसे रहेगी तो वो 10th में सर मैं उसको कैसे टाइम पे नहीं दूंगी सर, वो कैसे पढ़ेगा। तो ये कंसर्न देखो इंसान कैसे अलग होता है, घुटने का दर्द है तो उसको भी घुटने का दर्द, लेकिन ये ब्रायोनिया अब घुटने का दर्द लेके आता है तो कैसे आता है। तो ये आपने समझ लिया कि भैया ऐसा रेस्ट है, तो जो रेस्ट एमलरेट था तो वैसे ही रूब्रिक माइंड सेक्शन में आपको यह है रेस्ट डिजायर फॉर, मतलब विश्राम, कुछ देर के लिए
सावधान से विश्राम हो जाओ, थोड़ी देर के लिए आराम। तो वो रेस्ट डिजायर डिस्टर्ब्ड आवर्स टू बीइंग, डिस्टर्ब्ड आवर्स टू बीइंग, जो अपने नक्सोमिका में देखा, रेस्ट डिजायर भी देखा था, डिस्टर्ब्ड आवर्स भी था, और क्वाइट वांट्स टू बी क्वाइट। ये तीन रूब्रिक अगर जोड़े तो नक्सोमिका और ब्रायनिया, मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी नक्सोमिका हो चुकी है, अभी ब्रायनिया कर रहे हैं, और दो रेमेडीज को अपन डिफरेंशिएट भी कर देंगे। ये तीन रूब्रिक्स अब भी अपन ने नक्सोमिका में सुने थे, एक होता है विश्राम, एक होता है चुप शांत चुप्पी रहना, और तीसरा होता है कोई डिस्टर्ब ना करे। डिस्टर्ब करना करना नहीं चाहिए कोई, ये इच्छा होती है कि कोई डिस्टर्ब ना करे। मतलब ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक नक्सोमिका में भी है और ब्रायनिया में भी है, लेकिन नक्सोमिका इंसान कैसे होता है, रेस्ट डिजायर में आने से पहले वो कितना काम करता है, कैसे करता है, कहाँ पे वो फोकस करता है, किस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं, वो हमने देखा। तो ब्रायनिया लेकिन वैसा नहीं होता है, ब्रायनिया थोड़ा अलग होता है, ब्रायनिया क्या करता है, ब्रायनिया का कैसा है ना, देखो ये तीनों रूब्रिक में नक्सोमिका भी है, ब्रायनिया भी है। अभी नक्सोमिका को ये तीन रूब्रिक क्यों चाहिए, क्यों चाहिए रेस्ट, क्यों चाहिए क्वाइट वर्ड्स, और क्यों चाहिए डिस्टर्ब्ड आवर्स, क्योंकि उसको चाहिए परफेक्टनेस, उसको चाहिए परफेक्शन, क्वालिटी क्वालिटी एफिशिएंसी, कड़क काम एफिशिएंसी, सटीक काम, एक नंबर काम, ये नक्सोमिका की जरूरत है। जैसे हमने देखा कि नक्सोमिका वो सटीक करने के पीछे, क्वालिटी काम करने के पीछे, एफिशिएंटली करने के पीछे खुद का नुकसान कर देता है। बिल्कुल, ब्रायनिया वैसे नहीं करता, ब्रायनिया वैसे नहीं करता, नुकसान नहीं होता है भाई, वो होता है ना चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, होता है ना वो ऐसा ही होता है, वो होता है ना चमड़ी जाए पर दबड़ी ना जाए, तो वो फायदा फायदा और ब्रायनिया का चोली दामन का साथ है। जस्ट मजाक कर रहे हैं हम, ऐसे किसी चीज को जस्ट मजाक के तौर पे ले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये बिजनेसमैन होता है ना, यही होता है ब्रायनिया, लेकिन नक्सोमिका भी बिजनेसमैन हो सकता है, लेकिन उसको क्वालिटी चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, इसको फायदा चाहिए, नफा नुकसान, नफा नुकसान, ये ब्रायनिया होता है। और डिटेल में देखेंगे कैसे होता है और कैसा है ना, ये चीज नक्सोमिका भी आराम करता है, ब्रायनिया भी आराम करता है, लेकिन नक्सोमिका जब आराम करता है तो वो पूरा आराम करता है, कंप्लीट संपूर्ण विश्राम, लॉन्गिंग फॉर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी। तो जो लॉन्गिंग है ना बहुत डीप है, उस वक्त उसको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, बिल्कुल। मतलब जो नक्सोमिका बीमार पड़ता है ना, वो चाहता है कि वो बीमारी वो खुद पूरी तरह फिर से हेल्दी बन जाए, परफेक्टली हेल्दी बन जाए, अच्छे से ठीक हो जाए, ताकि मतलब वो 100% परफॉर्मेंस दे के काम कर सके। यस, अगर फोन से कंपेयर करें इस स्टेट को, तो ब्रायनिया जो 25% फोन आपका चार्ज हो जाएगा, काम चलाओ भाई, नक्सोमिका नहीं, पूरा 100% पूरा फोन चार्ज होना चाहिए। मतलब उसकी चार्जिंग जब वो रेस्ट में कर रहे हैं, तो जब तक नक्सोमिका पूरा 100% चार्ज नहीं होता, तब तक वो निकलता नहीं। यस, ब्रायनिया बोलता 50% हो गया है ना, थोड़ा सा ना चलाते आते, थोड़ा सा आज की जो भी है नफा नुकसान ऑफिस में जाके देख लेते हैं। मेरा न्यू पेशेंट चार है तो उतने देख। अभी जैसे ब्रायनिया के पास में कॉल आया, वो रेस्ट डिजायर में है, ब्रायनिया के पास में कॉल आया, मैं ब्रायनिया का डॉक्टर हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, फोन आया, फोन देखा, रिसेप्शनिस्ट का है, किसी दूसरे का होता तो मैं नहीं उठाता पेशेंट का, रिसेप्शनिस्ट का, अच्छा हाँ हेलो क्या हो रहा, हाँ सर वो अमेरिका वाले जो पेशेंट है उनका मेडिसिन भेजना था, अच्छा मिस्टर डिसूजा को ये दे देना, आर्सेनिक दे देना, और उनको ब्रायनिया दे देना, और बिल इतना इतना है 10,000 ले लेना, ठीक है। अच्छा सर वो उनका भी कॉल आ रहा है जो कल आए थे आपके पास में, कौन, रामदीन, अच्छा हाँ नहीं नहीं उनको बोलो शाम को आ जाएं, अभी उनके बारे में कोई दिक्कत नहीं, उनको बोलो शाम को बुला दें, ठीक है, नमस्कार। क्योंकि रामदीन से पैसे उतने नहीं मिले क्योंकि ये हमेशा ना तोलमोल होती है, जैसे बताया नक्सोमिका के केस में हमने बताया, नक्सोमिका को कॉल आ रहा है, नक्सोमिका अच्छे से डॉक्टर को बताना चाहता है ये हुआ ऐसे हुआ इस डेट से ये हुआ ये रिपोर्ट है यूरिक एसिड इतना था, उतने में कॉल आया तो वो कट कर रहा है कट कर रहा, फिर जाके फिर देखेगा नहीं वो वॉक किसका है, देखेगा नहीं फायदा है, पूछेगा भी नहीं कि क्या काम है, हो सकता है कि उसने वो फोन उसको डांट दिया तो समझ में नहीं काट रहा हूँ कर रहा हूँ आपको, हो सकता है उसको नुकसान हो जाए, वो सोचता ही नहीं है नक्सोमिका, क्योंकि अच्छे से करना है, वही ब्रायनिया होगा ना सर, एक सेकंड ना, हाँ फिर जैसे आलोक ने बताया बिजनेस की बात कर ली पूरी, नुकसान नहीं होने देना है, फिर सर हाँ सर फिर ऐसे होता है। एक एक एग्जांपल याद आया, जब मैं पास आउट हुआ था तो एक हॉस्पिटल में मैं जॉब करता था, मतलब एज अ हाउस पोस्ट थी, तो वहां पे रीनल स्टोन के पेशेंट्स होते थे, तो लिथोट्रिप्सी होती थी, तो लिथोट्रिप्सी हम वो सब जैकेट वैकेट पहन के स्टोन टूटते थे वहां पे, लिथोट्रिप्सी में रीनल स्टोन के ऊपर साउंड वेव से तोड़ा जाता है, तो वो एक
बिजनेसमैन था वो सोया हुआ था और उसको बहुत सारे स्टोन्स थे, क्योंकि इससे लिथोग्राफी से पत्थर टूटते तो नए तो हमेशा बनते हैं। तो उसका काम था, वो आता था सोता था और मैं देख रहा हूँ उसका कोई कुछ ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं। तो मैंने जब वो टेक्नीशियन को पूछा तो बोलते नहीं सर इनका ना हमेशा क्या है वो आते है हाँ हमेशा है वो कुछ नहीं हुआ। तो मैं उसको समझा रहा था एक्चुअली उस पेशेंट को कि ना आपको ना, क्योंकि उसको जब स्टोन टूटता है तो उसमें थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती है, क्योंकि वो जो टुकड़े निकलते हैं वो यूरेटर्स को यहाँ हुआ थोड़ी सी जख्म करते हैं और खून निकलता है। तो जरूरी होता है कि आप उसके बाद मूवमेंट ना रखे, थोड़ा रेस्ट करें। उस वक्त हमें ये बताया गया था डॉक्टर से, ऐसे ऐसे वो बताना है पेशेंट को, हम बता रहे हैं वो बोल रहे हैं वो ऐसे देख रहे घड़ी देखा। तो उसने टेक्नीशियन को बुलाया, बोला कितना टाइम लगेगा तो उसने बताया सर हो गया सर आप जा सकते हो उसके बाद। तो मैंने बोला आप घर जाओ आराम करो, इसके बाद यहाँ से जाना है जवेरी बाजार जाना है बाजार जाना है। मतलब क्या, तो ये बंदा जोहरी था तो उसको ना हमेशा का था जैसे खत्म हो गया मार्केट जाएगा सब कुछ काम निपटाएगा, उसको लेना देना नहीं है, ब्लीडिंग होगा तकलीफ होगी कुछ भी होगी कुछ नहीं है, उसने जितना जरूरी है उतना करा लिया, अब आगे जाके उसको काम। तो जब ये पेशेंट आपके सामने आता है उसके पहले का जो प्री पार्ट है वो चीज जानना जरूरी, वो ये है कि वो जो तकलीफ उसको हो रही थी उसको वो किसी भी तरीके से मैनेज कर रहा था। डायरिया अगर हुआ है चलो फास्टिंग कर लेते हैं, गर्म पानी पी लेते हैं, आज ज्यादा नहीं खा लेते, थोड़ा दही चावल खा लेते हैं आज। लेकिन जब वो करते करते भी नहीं होता है और कल इस चीज पर आ गई बात कि अरे यार काम पर जाना है, डायरिया और उतना वीकनेस कैसे झेलूंगा मैं, आगे दिक्कत और बढ़ेगी, फिर हॉस्पिटलाइज कहीं हो गया तो और पैसा लगेगा, ठीक है ना। तो अभी तो ये डायरिया की पिल खा ली उससे भी कुछ नहीं हो रहा, तब वो आपके पास में आएगा। तो उसके पहले की हिस्ट्री में ये मिलेगा कि वो कैसे भी मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये जो मैनेज है ना इसको एक अच्छा वर्ड है आपके लिए, तोलमोल। तोल मतलब ये ब्रायन यहाँ हमेशा लाइफ में हर चीज में हर एस्पेक्ट में तोलमोल करता है, यहाँ पे बार्गेनिंग, इसको रुकेगा बार्गेनिंग, यहाँ पे नुकसान ज्यादा है यहाँ पे नफा ज्यादा है, जहां पे नफा है वहां पे ब्रायनिया है, जहां पे नुकसान है वहां पे ब्रायनिया नहीं है। तो ट्रीटमेंट के वक्त भी जैसा लोगों ने बताया वो हमेशा कोशिश करता है, अगर उसको खांसी हो रही है एसी बंद करो। जैसे मेरे एक पेशेंट है उसके केस बाद में डिटेल में बताएंगे, सिर्फ इतना कि वो पेशेंट हस्बैंड को बोल देता आप दूसरे रूम में सो जाओ, लेकिन वहां पे एसी चलाओ, यहां मुझे यहां मतलब दूसरे रूम में तुम हॉल में सो जाओ, मुझे एसी नहीं चाहिए और मुझे गर्म पानी हमेशा, मतलब सर पिछले 4 महीने से गर्म पानी पी रही हूँ मैं, अदरक डाल के हल्दी खा करके फिर भी खांसी कम ही नहीं हो रही है, इंजरी भी होता है उसके साथ। तो ये इस तरीके से तोलमोल तोलमोल तोलमोल, फिर एक जगह पे उसकी बीमारी उसके ऊपर हावी होती है और उसके वजह से उसको दिखता है कि उसको नुकसान होने वाला है। अभी ये सारी चीजें जैसे उसने बोली तो वहां पर आप फ्रिवलस सोच सकते हैं कि अरे यार ये इसने बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया है, लेकिन अगर ध्यान से आप उसको परसीव करेंगे अनुभव करेंगे तो वो तोड़ मूल चल रहा है, कैसे भी करके काम चला लो यार, काम चला लो, अपना बिजनेस अफेक्ट नहीं होना चाहिए। सर ब्रायनिया बार्गेनिंग करता है ना, तो बार्गेनिंग हमेशा दो चीजों में होती है, तो ब्रायनिया की एक चीज एक जगह पर है फियर सफरिंग, सफरिंग मतलब खांसी हो रही है, पाइल्स का दर्द हो रहा है, घुटने दर्द कर रहे, ये सब फियर सफरिंग है। और इस फियर सफरिंग को वो जितना तान सके उतना तानता है, जितना खींच सके जितनी देर तक वो फियर सफरिंग के साथ चल, सफरिंग के साथ चल जब तक झेल सकता है, झेल सकता है, झेल लेता है, क्योंकि उधर फियर पावर्टी है, दूसरे पलडे में फियर पावर्टी है, तो चमड़ी नहीं चमड़ी जाएगा चले दमड़ी नहीं जाना चाहिए, तो इसीलिए फियर पावर्टी तब तक हावी रहती है जब तक के फियर सफरिंग हावी नहीं होता। लेकिन किसी दिन फिर जब फियर सफरिंग भारी हो जाएगा तब फिर धंधे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी कभी तो ऊट पहाड़ के नीचे आएगा। अरे वो बार्गेनिंग का बहुत बढ़िया एग्जांपल था, वो शादी वाला बताओ। नहीं वो तो कैसा, अभी ये सब एग्जांपल्स है ना वो तो दर्द के है, वो दर्द के है कि भैया दर्द हो रहा है तो दर्द को झेल लो, और जब बहुत ही दर्द ज्यादा हो जाए तो डॉक्टर के पास जाके दवा ले लो, और जैसे ही थोड़ा सा आराम मिल जाए तुरंत धंधे पे वापस रिटर्न आ जाऊं। ये तो बीमारी के साथ बार्गेनिंग। अभी मेरे पास एक पेशेंट आता था, उसको गले में दिक्कत थी और एसिडिटी हमेशा बनी रहती थी, एसिडिटी हो जाए तो उससे गला पकड़ जाता था, गला पकड़ लिया तो उससे एसिडिटी बनी, तो वो एसिडिटी और गले की दवा खा खा के ईएनटी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा दिखा के परेशान हो गया। तो कहीं से मेरे पास आ गया होम्योपैथी लेने के लिए, तो मैंने उसकी सब केस ली, तो केस लेने में मेरे को थोड़ा बहुत जैसे ये शारीरिक बार्गेनिंग समझ के आया था, तो मेरे को थोड़ा सा
ब्राइन समझ में आ गया था कि भैया ये ब्राइन ही आया, तो मैं बोला भैया आपकी उम्र कितनी, बोले 32, बोले 32, बोला घर में कौन कौन है, बोले मेरी मम्मी है और मेरी बहन है, बोले बहन आपसे छोटी है, बोला हाँ छोटी है, उसकी उम्र कितनी है, बोले 24, बोला अच्छा, बोला आपकी शादी नहीं हुई, बोले नहीं शादी की नहीं अभी तक, बोले क्यों नहीं की, बोले मेरी और बहन की एक साथ में करनी है, बहन तो अभी 24 की है, वो अभी और एक दो साल रुकेगी, उसके बाद में 26 में करेगी, बोला हाँ मैं भी एक दो साल रुक जाएगा, बोला अरे अभी 32 है तो 34 का हो जाएगा, बोला हाँ लेकिन फिर खर्चा तो कम होगा, दोनों का एक ही मंडप में हो जाएगा। मैं बोला अरे इसकी उम्र निकली जा रही है लेकिन एक मंडप का खर्चा बचाने के लिए उम्र निकाल देगा, शादी लेकर बुढ़ापा आ जाएगा चलेगा लेकिन खर्चा नहीं। देखो अभी इसमें आर्सेनिक भी ऐसे खर्चा नहीं करना चाहता है, लेकिन आर्सेनिक कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट में है, तो वो हमेशा खुद को हमेशा तंदुरुस्त रखना चाहता है, खुद को तकलीफ में नहीं रखना चाहता। आर्सेनिक बहुत डरता है तकलीफ से, आर्सेनिक आर्सेनिक खुद का नुकसान नहीं, बड़ा सेल्फिश आदमी, सेल्फिश आदमी होता है। जब अपने ऊपर आएगी आर्सेनिक तो सारे पैसे खर्चा करेगा, लेकिन ब्राइनिया अगर अपने ऊपर भी आती तब भी उसमें भी तोलमोल करने की कोशिश करता है। कैसे बचाओ, जैसे आर्सेनिक बहुत अच्छा बताया आप लोग ने कि उसके पास अगर 1,00,000 रुपया है और उसका खुद का बीमा रहे ना, तो आर्सेनिक सोचेगा नहीं, 1,00,000 तो खर्चा करेगा, बेटे से भी लेगा, भाई से भी लेगा, वो भी खर्चा करेगा। ब्राइनिया खुद के बीमारी के बारे में बहुत सोच समझ के खर्चा करेगा। बिल्कुल, तो हमने ये देखना है कि ना कि ब्राइनिया किस तरीके से इस बार्गेनिंग को आपके क्लिनिक में कैसे प्रस्तुत करता है। क्लिनिक में आपको ये कुछ एग्जांपल्स बताए कि भैया ये पाइल्स में है, तकलीफ में है। हर 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 लेवल पे बार्गेनिंग होती है, हर लेवल पे। जैसे कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक आपकी होती है ना, वो फिजिकल लेवल पे भी वो चीज दिखेगी आपको, मेंटल लेवल पे भी वो चीज आपको दिखेगी। जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि हम देखते हैं मैन इंडिसेस, बराबर। मैन इंडिसेस में अभी कई सारे लोग बोलते हैं कि सर केस चेकिंग कैसे करते हैं, कि सर केस में आप कैसे सवाल पूछते हैं, आपके सामने पेशेंट ऐसे कैसे बोलता है, हमारे सामने तो घुटने के आगे जाते ही नहीं, हमारे सामने बोलता बस घुटना ही दर्द कर रहा है, तो उससे दिक्कत क्या हो रही, दिक्कत यही तो है घुटना दर्द कर रहा है भाई, तो उससे दिक्कत क्या हो रही, उससे कैसे पूछते हैं और अपने को उससे इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, ये थोड़ा सा समझने के लिए एक केस आपको स्टडी बताएगा। एक थोड़ा बेसिक लेवल से चालू करते, केस टेकिंग ना हर चीज आपके वेटिंग रूम में पेशेंट क्या कर रहा है, कॉल अपॉइंटमेंट लेते वक्त उसने कैसे बात किया, हर चीज याद रखनी है आपको, हर इम्पोर्टेंट चीज। जैसे पहले हम बेसिक लेवल का बार्गेनिंग देखेंगे, उसके बाद एक तो एग्जांपल बहुत ही बढ़िया हुआ जो शादी लेट कर रहा है, मतलब वो तकलीफ चलेगी। दूसरा एग्जांपल मैंने जैसे दिया कि हस्बैंड वहां पे सोएगा चलेगा, मतलब उन दोनों को हस्बैंड वाइफ है यार, हस्बैंड वहां पे सोएगा चलेगा, लेकिन ये तकलीफ ऐसी वजह से बढ़नी नहीं चाहिए। तो ये बार्गेनिंग होती है, ऐसे बहुत सारे लेवल पे बार्गेनिंग आपको दिखेगी। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक लेडी थी कि वो क्या करते थे कि मेरे पास क्लिनिक जो पेशेंट्स है ना अपॉइंटमेंट्स, वो 10:30-10:30 बजे तक चलते हैं, तो उस दरमियान बहुत लोगों को क्या होता है ना कि वेट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत डिस्कशन होम्योपैथी में टाइम लगता है, नई केस आ गए बीच में तो टाइम लग जाता है, तो वेटिंग ज्यादा होता है, तो उसको पता था कि यहाँ पे वेट करना पड़ता है बहुत, क्योंकि वो मेरे पास से बच्चे की ट्रीटमेंट ले चुकी थी, तो बाद में वो खुद के लिए क्या, बाद में उसने क्या किया, फिर वो हमेशा जब 10:30 बजे हम सब कुछ रैप अप करके असिस्टेंट और हम सब लोग स्टाफ सब निकल रहे हैं ना, उस वक्त आती है ताकि उसको ज्यादा वेट नहीं करना पड़े, तब तक अपना काम निपटा के हस्बैंड के साथ आएगी। तो ऐसे ही वो आई, और फिर वो आने के बाद सर अच्छा, लेकिन दिखाई की कोशिश करेगी, देखो आपको बहुत शातिर होना पड़ेगा, आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्यों इतने लेट आई। अगर आप नया केस है, आप खुद को पहली बार दिखा रहे हो, तो आपको अपॉइंटमेंट लेके आना है, उसको पता है बच्चे की ट्रीटमेंट हुई है यहाँ पे, तो वो ऐसे दिखाएगी जैसे उसने ना उसको पता ही नहीं ऐसे आ गई, क्योंकि उसको पता नहीं होम्योपैथी उनको पता नहीं होता। तो यहाँ से केस टेकिंग चालू हो जाती है, तो यहाँ पे भी उसने बार्गेन किया। और यहाँ पर देखो ना, 10:30 बजे क्यों आए आप, अपना काम खत्म करके सब कुछ अपना करने के बाद में तब ब्राइनिया अक्सर आपके पास में आएगा। जल्दी आती तो उसका वो जो बाकी का काम निपटाया उसने वो नहीं कर पाती, तो ये भी बार्गेनिंग हो गया। अभी आगे देखो कैसे बार्गेनिंग होता है, तो अंदर आई ना, तो अंदर आई तो उसने बताया कि सर ऐसा आप निकल रहे हो, सर मेरा केस था, मुझे दवा लेनी थी इतने टाइम से, सर ऐसे ऐसे तकलीफ हो रही है सर, बदतमीजी नहीं, बड़े प्रेम से, बड़े ह्यूमिलिटी करके रुक रही है, नम्रता के साथ में पेशेंट, जो कि 90% ब्राइनिया का आपसे बात। बहुत सारे है ना बिजनेसमैन आपको देखेंगे ना, जो अलग अलग बिजनेसमैन होंगे और आपके साथ बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, आओ अंदर आओ दुकान में आओ, फिर आपको फिर आपकी जेब खाली, लेकिन आपको चाय मंगाएंगे, खातिरदारी करेंगे,
तो ये सब ह्यूमिलिटी इस तरीके से आती है। तो ये भी ह्यूमिलिटी से बताया, सर सर आप जा रहे हो सर मेरी केस ऐसे, तो मैंने बताया नहीं ठीक है चलो आप बैठो बताओ क्या है। तो उसने बताया सर ऐसे सब तकलीफ है इतने इतने सर, लेकिन ना मेरे बेटे का तो सर ठीक हो गया, लेकिन सर इसको कितना टाइम लगेगा सर ऐसा। तो देखो ये ना आपको भी ध्यान देना इसका फोकस कहां पर है, कितना टाइम लगेगा मतलब उसका माइंड में क्या चल रहा है, कितना खर्चा होगा। फिर आगे उसने पूछ भी लिया सर तो फिर कितने तक का सर मेडिसिन लगेगा इसके लिए, कितना खर्चा आएगा लगभग। अच्छा 6 महीने लगेगा सर, अच्छा 4 महीने लगेगा। तो उसको तकलीफ है बहुत टाइम से, फिर भी वो फिर जज करेगी कि ये, तो आपको उसके चेहरे पे दिखेगा कि वो कैलकुलेट कर रही है कि हाँ 4 महीने का तकलीफ एलोपैथी में इतना खर्चा, हिसाब किताब माइंड में फटाफट। तो फिर वो बोलेगी सर थोड़ा मतलब सर इसमें थोड़ा कम इसमें नहीं होगा सर, मतलब इतना सर, लेकिन सर ये तो ये दवा ये सब बाहर से ली, तो ये जो आप डाल रहे हो दवा ये सब फार्मेसी सर हम मंगाएंगे, तो मतलब ये इतना उसका ये चल रहा है कि हर जगह पे वो ये, और ये अनग्रेटफुलनेस देखो, हम लेट आए विदाउट अपॉइंटमेंट आए 10:30 बजे का, डॉक्टर खाना नहीं खाया है ठीक है, ये सब कुछ नहीं सोचना होता है उसका। तो और ये चीज जो वो डॉक्टर के साथ कर रही है या कर रहा है, ये चीज वो घर पे भी करता है। तो ब्रायनिया में कोई भी इमोशन नहीं है, इसीलिए ब्रायनिया को ड्रायोनिया बोलते हैं, सूखा है, इमोशनल इमोशनल, मतलब उसके लिए क्या होता है ना पैसा सब कुछ हो गया, मटेरियल चीज सबसे ज्यादा होगी ना, तो इमोशंस कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं। तो उसने वहां पे मुझे लिटरली इस पे भी बार्गेन करना चालू कर दिया कि सर इसका इतना कम नहीं होगा पैसा, ये तो ये लिटरल बार्गेनिंग भी हुआ। लेकिन देखो ये जो है ना बार्गेनिंग हर लेवल पे कैसे एक हो रहा दिख रहा है आपको आने में, ये आपको समझना है कि हर लेवल पे वो बार्गेनिंग करता है। बिल्कुल। और ब्रायनिया को आप अगर पूछेंगे, मतलब अगर आपको आदमी समझना है तो उस आदमी का आपको ये पूछना है कि भैया आपको ये दिक्कत है, तो इस दिक्कत से आपको आपकी जिंदगी में घर में काम में बीवी के साथ बच्चों के साथ माता पिता के साथ आपको आपके काम में कहां पर दिक्कत आ रही है ये थोड़ा सा समझना चाहिए। इससे क्या दिक्कत हो रही है, तो वो दर्द है वही एक दिक्कत है, लेकिन इस कारण से मैं काम नहीं कर पाता हूँ सर, क्या है माथाड़ी कामगार हूँ और कमर दर्द कर रही थी कितने दिनों से, तो मैं ऐसा एक अपना डाइक्लोजेम खा के काम चला रहा था, लेकिन अभी ऐसा है सर अभी तो सीजन आ गया है, अभी तो रात के 8-8 बजे तक ट्रक रहते हैं, जितने ट्रक खाली करेंगे उतना हमको पैसा मिलता है, तो अभी पूरा सीजन टाइम है सर, और अभी मेरा कमर तो अभी इतना हालत खराब हो गया, मैं बोला अभी कम से कम एक इंजेक्शन तो लेके आते हैं, इसीलिए मैं देखने आया तो फिर आपके पास आया, मैं बोला आप दवा दे दो तो ठीक होगा क्या हो, मतलब इससे जल्दी आराम पड़ता है कि कल मेरे को जाना है फिर से काम पे जाना है, कल बड़ा ट्रक आने वाला है, कल बड़ा ट्रक आने वाला है, तो फिर मतलब जितने लोग खाली करने के लिए थे अगर वो गए नहीं कमर दर्द की वजह से, तो उतने ट्रक वो खाली नहीं कर पाएगा, उतना पैसा मिलेगा नहीं। तो ब्रायनिया का रेस्ट वहां पर लगता है जहां पर इस बात पर आ जाती है कि अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा, काम में गड़बड़ हो जाएगा, मेरा बिजनेस ठप होगा, मेरे बिजनेस में लॉस होगा, तब वो डॉक्टर के पास में आता है। उसके पहले कैसे भी काम चलाता है। डॉक्टर साहब आपने बोला था कि जब फीवर बहुत ज्यादा हो तो पैरासीटामोल मत खाना, लेकिन जब हो गया और आपका क्लिनिक बंद था तो मैंने उसका आधा खा लिया तो थोड़ा अच्छा लगा, फिर मैंने अपना काम किया। तो ये जो आधा या थोड़ा थोड़ा करके जो काम चलाते हैं, बार्गेन करते हैं, ये भी बार्गेनिंग है, और जो काम चलाते हैं ऐसे लोग ब्रायनिया होते हैं। तो ये उसका बिजनेस, उसका धंधा गंदा है पर धंधा है, धंधा धंधा होता है, है? तो ये धंधा और इससे रिलेटेड काफी सारे रूब्रिक्स आपको ब्रायनिया में मिलेंगे। सबसे पहला टॉकिंग ऑफ बिजनेस, टॉकिंग बिजनेस ऑफ, और इतना टॉकिंग इतना है कि स्पीच डिलीरियस टॉकिंग बिजनेस, टॉकिंग बिजनेस, स्पीच डिलीरियस टॉकिंग बिजनेस, मतलब वो जैसे बस उसके दिमाग में और कुछ चलता ही नहीं, बिजनेस की बातें चलती है, मतलब डॉक्टर को लेट हो रहा है, रात के 11 बज रहे हैं, अपन लेट आए हैं, उसका कुछ नहीं होगा, तो कितना पैसा लगेगा थोड़ा सा, और उसने तो कम नहीं जब, और इतना है कि ना ये बंदा देखो कितना इमोशनल ड्राइव होता है, इसको सिर्फ फायदे नफा नुकसान की बात होती है इसके अंदर। तो ये यही पेशेंट बाद में जब ठीक हो गई तो फॉलोअप के लिए जब आई थी ना तब भी लेट आई ऐसे, तो मेरी वाइफ थी वहां पर, फिर भी उसने ना फिर से ऐसे ही लेट हुआ था, फिर भी मैंने बोला चलो ठीक है, तो फिर भी दवा बना के दी उसको अगले महीने की। तो जब पेमेंट की बात आई ना तो उसने पूछा भी नहीं, उसके हस्बैंड ने हेजिटेट करते करते पूछा सर आपका पेमेंट अभी करना है सर, तो ऑब्वियसली करना होता है, तो मैंने फीस बताई और मैं लैपटॉप बंद कर रहा था, तो उसको लगा मैं देख हम ऑब्जर्व करते रहते हैं हर एक चीज, तो उसने ना चुपचाप हस्बैंड को ऐसे किया, मतलब रुको अभी क्यों दे रहे हो, मतलब फीस क्यों दे रहे, पहली बार दिया ना बस हो गया ऐसा। तो ये उसको दबाया तो हस्बैंड ने भी, तो ये और मेरी वाइफ ने भी ये नोट किया,
तो उनको ऐसे लगता है कि हमने ये नोटिस नहीं किया। तो ये ब्राइनिया ऐसे होता है कि कुछ ब्राइनिया मतलब इस तरीके के होते हैं, अभी इनको क्या बोले, तो वो बिना पैसे दिए चली गई रात को, मुझे लेट रुकाया। बोली क्या आपको? क्या बोली, पैसा क्या बोली? नहीं नहीं, लेके नहीं आई बोले, मतलब लेट आई प्लान करके सबके काम करके। सर मैंने पैसे अभी लेके आए, तो उसके हस्बैंड बोल रहे थे कार्ड स्वाइप करो, हमारे यहाँ पे सारी चीजें होती है, गूगल पे होता है, पेटीएम होता है, कार्ड स्वाइप होता है, लेकिन उसने हस्बैंड को रुको रुको करके, क्योंकि हस्बैंड कार्ड स्वाइप कर सकता था। लेकिन इस तरीके की ब्राइनिया की मेंटालिटी होती है, तो क्योंकि वो बिजनेस को ज्यादा ये देता है, ज्यादा प्रायोरिटी उसकी बिजनेस होती है। एक और एक एग्जांपल दे दो, वो पाइल्स होना। यस हां, तो सफरिंग और हाँ, तो देखो पाइल्स का केस था, उसको के बीच का रेमेडी जब हमारी सिमिलर होती ना, तो तुरंत उसको जैसे दवा दिया था उसको 5-10 मिनट में आराम आया था, घर जाते रहते। ये सब हमारे पास रिकॉर्डेड इसके वीडियोस होते हैं, एविडेंसेस होते हैं। तो वो बंदा बताया कि जब सर मैं उसको घर गया आपकी दवा लेके, घर जाते जाते 80% आराम हो गया था, जो कि उसको इतनी तकलीफ थी कि 3-4 दिन पहले वो एलोपैथी में भी दवा लेके आया था। तो ये बार्गेनिंग था उसका। तो उसने कैसे बताया, सर आपके लिए मैं आया था लेकिन आपका क्लिनिक बंद था सर, तो फिर मैंने सोचा क्या करूं, फिर मुझे लेना नहीं था सर, मुझे हमेशा वो एलोपैथी तकलीफ होती है। ब्राइनिया हमेशा तकलीफ की बातें बहुत, तकलीफ वर्ड बहुत यूज होता है, क्योंकि सफरिंग है ना, तो क्योंकि सारी रेमेडी उसके अब इर्द गिर्द घूमती है, तो सर तकलीफ के जैसे वर्ड बहुत यूज होते हैं। तो वो बोल रहा था कि सर तकलीफ बहुत ज्यादा, सर बैठने को नहीं हो रहा पूरा दिन, सर ऐसे बैठने को नहीं हो रहा है, सर काम नहीं कर पा रहा उसकी वजह से, बैठने को नहीं हो रहा। देखो फिर से काम में डिस्टर्ब, आई वॉज टू बींग काम में डिस्टर्ब हो रहा है ऐसे, तो अरे काम में जो डिस्टर्ब होता है, लेकिन डिस्टर्बेंस का मतलब काम रुका नहीं है। जब दर्द हो रहा है ऐसे ऐसे करके, तो कोई ऐसी पोजीशन ढूंढने की कोशिश करेगा जिसमें दर्द हो लेकिन कम होगा। हाँ सर मैं ऐसे ऐसे करते करते काम किया हूँ ऐसे भी करके। बहुत सारी जैसे लेडीज होती है ना, बहुत सारी ब्राइनिया की, वो धीरे धीरे लंगड़ाते धीरे 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 चलेगी, लेकिन काम करते रहेगी, हाथ दर्द हो रहा है धीरे 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 धीरे। अगर यहाँ पे दिखा रहे हैं तो सर यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे घुटना है ना सर, ये यहाँ पे ना ये जो धीरे धीरे करना होता है ना, ये भी बार्गेनिंग होती है उसमें भी, क्योंकि जोर से करेंगे तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा, अभी नुकसान हो जाएगा तो बाद में काम नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे ये ऐसे पेनफुल कंडीशंस, तो ये जो पेन है ये फिजिकल लेवल पे हो सकता है, मेंटल लेवल पे, मेंटल लेवल पे इसका पेन है कि यार बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, वो उसके लिए सफरिंग है, और यहाँ पे इस दर्द की सफरिंग है। तो ऐसे मेरे पास में खांसी का केस था, एक्यूट कफ है, तो पेशेंट आया, उसकी उसकी जो वाइफ थी, वाइफ ने बच्चे का केस बताया, तो मेरी आंख एक आंख उसके ऊपर भी थी, वो आके बड़े बड़े एक ऐसे कॉशियस तरीके से बैठा करके और खांस रहा था बीच बीच में, वो ट्रेलर दे रहा था खांसी का ऐसे करके। फिर उसके बाद में जब बच्चे का केस हो गया तो मेरी नजर पूरी उसके ऊपर गई, तो मैंने कहा क्या दिक्कत हो रही, सर बहुत तकलीफ हो रही, दर्द हो रहा है यहाँ पे खांसते वक्त। तो बीच बीच में जब भी खांसी आने वाली थी तो उसके चेहरे पे एक एक अजीब सी एक एक डर जैसा कह सकते क्या दिक्कत, अलर्ट हो रहा था एक सिर्फ एक उसमें बार्गेनिंग, जितना खांस लो थोड़े से, जितना खांसने से काम चल जाए, जितने ज्यादा दर्द ना हो उतना खांस लो, उतना खांस लो। ये हम उसको ब्राइनिया 200 दिया उसी वक्त ने, विद इन 5 मिनट फिर दर्द नहीं हुआ, फियर ऑफ सफरिंग गया। तो ये इमीडिएटली आपको इफेक्ट दिखा, हम मटरा मेडिकल में पढ़ते ना कि उसको मोशन से तकलीफ है, मोशन से एग्रेवेशन है, लेकिन उसके पीछे की माइंडसेट आप है ना, उसके पीछे का समझने की कोशिश करो। ब्रायन या लेडी ये धीरे 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 क्यों घुटना दिखा रही है, तकलीफ तकलीफ ना हो, क्योंकि वही है ना, मोशन ज्यादा करेगी तो तकलीफ होगी, तकलीफ फिजिकल लेवल पे भी, और तकलीफ कैसे, अगर हाथ दर्द कर रहा है, लैपटॉप पे काम नहीं कर पा रहा, अगर मैं ऐसे फटाफट दिखा दूं और ज्यादा बढ़ गया तो कल लैपटॉप कैसे काम करूंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो खांसी आ जाएगी ना लेडी को, तो वो खांसे ही कैसे, ऐसे अगर आपके साथ बात करें, सर हाँ सर बहुत है ना, हल्दी खाया सर बहुत दिन से, गर्म पानी पी रहे, उसके लिए खांसी सर रुक नहीं रही है, खांसी अचानक से उसको खांसी आ जाती है, तो खांसी कैसे एकदम इस तरीके से खांसी, अचानक से बोलते बोलते आएगा पकड़ के, आवाज देना चाहिए। तो ये जो है ना, ये जो ना वो फील कर रही है कि कितना तकलीफ हो रहा है उसको, और वो तकलीफ को उसको पता है कि अगर मैं दबाऊंगी नहीं, प्रेशराइज नहीं, कुछ भी करके, सिर्फ यही दबाना ही नहीं होता, अलग अलग तरीके होते हैं, हल्दी खाना, गर्म पानी पीना, एसी नहीं लगाना, ये सारी चीजें उसको इंजोर कर रही है, इसको अगर वो रोक के नहीं रखेगी
उस थ्रेशोल्ड के नीचे नहीं रखेगी तो उसकी बीमारी हावी हो जाएगी और वो फिर घर में जो काम उसको करना है या फिर ऑफिस में जो जाना है, जैसे पाइल्स का केस था ना, उसमें वही हो रहा था। उसने क्या बताया, मैंने जैसे आप लोग पूछते हो केस कैसे लेना, तो उसको सिंपल से बातें पूछी थी, क्या हो रहा है आपको, इसकी वजह से दिक्कत क्या हो रही है, सिंपल दिक्कत हो रही है ये समझो, इसकी वजह से आपको ये पाइल्स हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है इसकी वजह से। तो उसने बोला सर आपको तो पता है ना सर मेरा काम कैसा है, सर ये सारे बैंक में होंगे सर, और मेरे को ना वो सब एस्केलेट होता है ना, सारी कंप्लेंट्स जो होती है ना वो सारी एस्केलेट होकर मेरे पास आती है, मुझे उस पर एक्शन लेना होता है, और सर ये बैठ नहीं पाता हूं मैं, उस सर कैसे देखूंगा सर, ये बीच बीच में ऐसे ऐसे होता है, तो सर ये मंथ एंड आ रहा है सर आपको तो पता है, तो आप थे नहीं उस वक्त, तो फिर मैंने सोचा अभी क्या करेंगे, अभी वापस सैटरडे संडे सर आ गया, संडे आ गया, आप वापस संडे को भी नहीं रहेंगे, आप मंडे को आएंगे तो तब तक क्या करेंगे, तोल बोलोगे, तो तब तक उसने डिसीजन लिया, उसको एलोपैथी दवा से उसका ऐसा कहना है कि उसको तकलीफ होती है, एसिडिटी होती है और ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि पहले वो ले चुका है, तो हमेशा ऐसे ऐसे आलोक ने बताया ना, उसमें भी वो आधा अधूरा दवा लेता है ताकि थोड़ा सा फायदा भी हो दवा से और दवा की वजह से जो नुकसान हो रहा है उससे भी बचा जा सके, तो आधी दवा लेता है। वैसे ही उसने थोड़ा कुछ ट्राई किया, नहीं हुआ, एलोपैथी के पास गया, उसको बिल्कुल आराम नहीं आया, फिर वो जब मेरा दवा क्लिनिक चालू हो गया नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद, तब वो आया और उसने बताया सर फिर इसलिए मैंने वो दवा ली सर, उससे और तो और तकलीफ होने लगी मुझे, एसिडिटी बढ़ गया और टॉयलेट में तकलीफ हो गया, तो सर देखो सर ये क्या है ना सर, मंथ एंड आ रहा है सर अभी ये ऐसे ही रहेगा, तो हम पूछते कंसर्न क्या है, कंसर्न क्या है, ऐसे ही रहेगा तो क्यों इसको ये ठीक चाहिए, अगर लैट्रिन के यहाँ पर दर्द हो रहा है तो उसको उस दर्द से कहां पर अड़चन आ रही, क्यों ठीक करना है उसको, तो यही अगर स्ट्रैमोनियम होगा ना तो बोलेगा सर खून आता है सर, ऐसे दर्द होता है सर, क्या कोई कैंसर वैंसर तो नहीं सर, क्या है, मतलब सामान्य को धंधा गया वार्ड में, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना मतलब जो मरने की स्थिति में है वो कहां तोल मोल कर, इंडिविजुअलाइजेशन देखो कैसा है, नक्स सुमिका का कंसर्न है कि वो अच्छे से काम कर पाए इसलिए उसको ठीक होना है और फिर अच्छे से ठीक होना है, इसको क्या कंसर्न है कि सर ये ना डिस्टर्ब कर रहा है, अगर वो डिस्टर्ब नहीं करता था ना थोड़ा कम तकलीफ होती तो ये नहीं आता था, तो वो वैसे ही परसीवर करता था बीमारी के साथ और काम पे लगा रहता था, जब उसको समझ में आया कि अभी ज्यादा हो रहा है, अभी मंथ एंड में मैं ऑफिस नहीं गया, बॉस मुझे अप्रेजल नहीं होगा ठीक से, नुकसान हो जाएगा, जॉब चली, मतलब इस तरीके से वो जॉब जा सकती है, डिमोशन हो सकता है, पैसे कम मिल सकते हैं, तो ब्रानिया जन्मजात पुअर होता है, जन्मजात गरीब होता है और इसीलिए वो स्ट्रगल करता रहता है कि भाई किसी भी हालत में मेरा बिजनेस चलता रहे, मेरा काम चलता रहे, ये उसका एक एक कोर फीलिंग है, बहुत डीप फीलिंग है, क्योंकि इस बिजनेस के आपको बहुत सारे रूबरिक मिलेंगे, एक तो टॉकिंग बिजनेस ऑफ बताया, दूसरा है एंजाइटी अबाउट बिजनेस, तीसरा है एंजाइटी मनी मैटर्स, तो और भी बिजनेस के बहुत सारे रूबरिक है, आप रेपर्टरी में देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो कुछ आपको समझ में आ गया, और दो चीजें जो है एवराइस और ग्रीडी, एवराइस मतलब सब जमा करना और ग्रीडी भी, ग्रीडी को और जितना मिले उतना, और एवराइस जितना आप संभाल के रख सकते हो, और ग्रीडी एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड है जिसमें आप दूसरों का भी हड़प सकते हो। ब्रानिया इज नंबर वन डिसऑनेस्ट फेलो, और इसीलिए ब्रानिया थोड़ा सा गंदा होता है, जैसे अभी कृष्णा के केस में दिखा कि किस तरीके से वो चीजों को अपने फेवर में लेना चाहती थी, कि अभी इतना रात हो गया सर, पैसा कार्ड भूल गए, हस्बैंड तुम क्यों पे कर रहे हो, आई नहीं वो, क्योंकि तभी 80% ठीक हो गई थी और एक बार दवा ले लिया, फिर अनग्रेटफुल, फिर से खर्चा हो जाएगा तो फिर से नहीं आई वो, कहीं और होम्योपैथ के पास जाएगी, लेकिन वो फिर से नहीं आई शायद, या फिर उसको लगेगा कि हम ऐसे केसेस भूलते नहीं वो काफी लोग, क्योंकि हम उस इंसान को जो है ना वो ये टिपिकल एक्सप्रेशन होते हैं तो हमें याद रहता है। एक मेरे पास एक केस था जिसमें उसको हाइड्रोसिल था, उसको गॉल ब्लैडर के स्टोन्स थे और उसको हर्निया भी था ऐसे, और बहुत सारी डाइजेशन इश्यूज थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और वो काफी टाइम तक अलग अलग मॉडर्न मेडिसिन से ट्रीटमेंट ले चुका था, तो वो जैसे आया ना तो वो इतना गरीब के जैसा पोलाइटली बात करता था मेरे सामने सर, और वो नॉर्मल जॉब थी उसकी, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से, मतलब बहुत नॉर्मल ऑर्डिनरी जॉब होगी उसकी, तो वो बहुत अच्छे से नॉर्मली एकदम पोलाइटली बात करता था, सर ये ना बहुत सर परेशान हो गया सर, ये क्या सर, तो उसका कंसर्न हम पूछते, तो आपको क्या लग रहा है इसको लेके आपको क्या फिकर हो रही है, ऐसे क्वेश्चन पूछो, क्या कंसर्न हो रहा है, क्या फिकर, फोकस देखो आप, फोकस कहाँ पर है, फोकस इस पे नहीं है कि भैया उसका हर्निया का तकलीफ हो रहा है कि क्या, हर्निया पे फोकस नहीं कर रहा है, उससे आपको तकलीफ कहाँ, आपको देखो उसको पाइल्स उसका ठीक नहीं किया हमने, आपने उस इंसान को समझा और उस इंसान को ठीक किया, तो उसको कैसे समझना है, उसके वो इंसान बीमारी को और अपने सराउंडिंग को और बाकी के जो भी चीजें हो रही है
जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं आजू बाजू में, जो भी सिचुएशन, उसको परसीव कैसे करता है इंसान, उस परसीव कैसे करता है, उस परसेप्शन को हमें समझना है, उससे हमें इंसान को समझना है। ये बंदा केस टेकिंग में एक और प्रश्न है जो अक्सर मैं करता हूँ, इस प्रॉब्लम की वजह से, इस समस्या ने आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित किया। यस, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन, या फिर बताएगा घर, व्यवसाय, उसका खुद का परफॉर्मेंस, तो कई तरीके की चीजें, रिश्तेदारी, माँ बाप, बीवी, बहन, जैसे हमने सेपिया की केस देखी, सेपिया को वही पाइल्स की प्रॉब्लम होगी या वही घुटने की प्रॉब्लम होगी ना, तो उसका कंसर्न क्या होगा, सर ये ठीक नहीं होगा तो सर हस्बैंड को सर सुबह जाना होता है ऑफिस में, वो 6 बजे जाना होता है, सर मैं 4 बजे नहीं उठूंगी, उनका टिफिन कैसे बनाऊंगे, सर बच्चा मेरा 10th में गया अभी, सर कुछ करो सर, ये पाइल की वजह से सर मुझे ना सुबह टॉयलेट के बाद इतनी तकलीफ होती है सर, काम नहीं कर पाती, 3-4 घंटा मूव नहीं कर पाती, बैठ के रहना पड़ता है सर, उसका 10th है अभी, कैसे पढ़ाई कैसे, उसका होमवर्क कैसे लूंगी, तो ये सेपिया का कंसर्न देखो, तो देखो ठीक क्या करना है, पाइल्स कहाँ रह गया, घुटना कहाँ रह गया और इंसान कहाँ जा रहा है। तो ये जो बंदा था ना, जिसको हाइड्रोसिल था, हर्निया था, जो भी थी XYZ चीज है, इसको पूछा तो ये बहुत पोलाइटली बात करता था, और उसका कंसर्न क्या था मालूम है, वो हमेशा ना उसको पूछना सर क्या होता है, मैं उसको पूछता था, वो पोलाइट था, मैं पोलाइटली बात करता था उसके साथ, आपको क्या कंसर्न होता है इसका, सर अभी क्या है ना सर टेंशन, मैं पूछता था क्या टेंशन हो रही है आपको, तो बोला सर टेंशन तो सर चलता है, जॉब इतना सर अच्छा नहीं है, इतनी कमाई होती नहीं है, इनकम नहीं है, अच्छा तो पैसे की टेंशन होती है आपको ऐसे, तो उसने बोला कि हाँ सर पैसे की भी टेंशन होती है, और सर ये क्या है ना, आपने देखा ये छोटे बच्चे 2 जन सर, उसका इतना सर ज्यादा तकलीफ हो गया, उसको एकदम से अचानक हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा सर उसको, तो अच्छा तो हमें ना आप फंसो के आपको लगेगा कि बच्चे के बारे में कितनी फिक्र है, तो जब मैंने और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया और थोड़ा बात करो उसके ऊपर तो समझ में आता, तो वो बताया तो उससे मुंह से निकल जाएगा आराम, वाइटल फोर्स जो अंदर है ना वो छुपे छुपके नहीं रहेगा, तो उसने बताया सर हॉस्पिटल में सर कितना बिल हो गया सर 1-2 दिन का, तो मतलब बिल से तरह परेशान है, बच्चे की फिक्र नहीं होती क्योंकि ये इमोशनल ड्राई होता है, तो उसको डर क्या है कि ये उसकी भी बीमारी अभी ज्यादा बढ़ गई ना, तो अभी सोचो हर्निया है, हाइड्रोसिल है, सारी बड़ी बड़ी बीमारियां, अगर ऑपरेशन करने जाए तो पूरी तरह से फियर ऑफ बींग सोल्ड में है, ब्रायनिया जैसे आयस होता है, फियर ऑफ बींग सोल्ड मतलब लुट गया, बोरिया बिस्तर बेच के बिल देना पड़ा, उसको बीमारी का ना इस बंदे को ना उसकी जो एग्जैक्ट बीमारी होती है ना उसका डर नहीं होता है, उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का डर होता है, फियर ऑफ सफरिंग अ लॉस एट फिजिकल लेवल एज वेल एज एट बिजनेस लेवल, फाइनेंशियल, फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ स्टार्विंग, इस हद तक उसको डर रहता है भूखो मर जाएंगे, भूखा मर जाएंगे, तो ये इसीलिए अपनी पेन को परस्योर करता है। और ये आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया ब्रायनिया कैसा होता है और कैसी चीजों को मैनेज करता है, और इसकी लाइफ में जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती वो उसके लाइफ में क्या प्रभावित करती है, तो ये आपको थोड़ा आइडिया आ गया। अगले वीडियो में अपन और देखेंगे कि एसकेडी के पास कुछ ऐसे या तो फिर कुछ ऐसे पैतरे हैं जो अपन ब्रायनिया ऐसे खट करके पकड़ सकते हैं, और ये बहुत आजकल का ना, आजकल समाज में पैसा बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, तो बहुत सारे लोग इस तरीके की मेंटेलिटी लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ब्रायनिया बहुत सारे मिलेंगे, और कुछ ब्रायनिया ऐसे होते ना कि जैसे हमने बताया एग्जांपल कि तेंदुलकर भी क्रिकेटर है, गली में खेलने वाला भी क्रिकेटर है, तो हर कोई क्रिकेटर कोई स्टेट लेवल तक जाएगा, कोई ना कंट्री लेवल तक जाएगा, कोई जो भी है, और कोई तेंदुलकर बनेगा, सारे क्रिकेटर वैसे ही ब्रायनिया, कुछ ब्रायनिया होंगे वो सिर्फ क्वाइट वांस टू बे में, रेस्ट डिजायर में होंगे, उसमें सब में बिजनेस नहीं मिलेगा, क्योंकि हम देखेंगे बच्चा कैसे होता है, लेडी कैसी होती है, बिजनेसमैन कैसे होता है ना, एक घर में काम करने वाली औरत है वो भी हो सकती है ब्रायनिया ना, तो कैसे कैसे होगी ये हम नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में मैं केस बताऊंगा जो सचिन तेंदुलकर के लेवल का है, 25 साल का माइग्रेन का केस, टिपिकल ब्रायनिया 25 साल का माइग्रेन, पच्चीस साल का माइग्रेन, मिलते हैं सेकंड वीडियो में, ब्रेक के बाद।